तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एप्रोप्रिएट दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि हम एप्रोप्रिएट दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बेसिकली मैनेजमेंट का बड़ा भाई मानकर चल रहे थे। आज हम उसकी डेफिनेशन और उसकी मीनिंग सब कुछ देखेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन के ऊपर, पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे हम पहुँच पाए एप्रोप्रिएट दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस तक। सबसे पहले हमने देखा कि ऑडिट क्या है। तो ऑडिट है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। यहीं रुकते हैं। बोला गया कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो हमने कहा कि इंडिपेंडेंस मीन्स दैट द जजमेंट ऑफ अ पर्सन डज नॉट सबॉर्डिनेट विद द विशेज ऑफ अनदर पर्सन। फिर हमने कहा कि ही इट रिक्वायर ही शुड नॉट एक्ट इन एनी इन्फ्लुएंस, दस ही कैन वर्क इन टोटली अनबायज मैनर। किसने आपसे कहा कि आप इंडिपेंडेंट होकर एग्जामिनेशन करो? तो हमने कहा स्टैंडर्ड ऑडिटिंग ने कहा, कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा, और आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 ने भी कहा कि इंडिपेंडेंट होकर आपको एग्जामिनेशन करनी होगी। हमने कहा बेनिफिट क्या है? तो हमने कहा दो बेनिफिट है, क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्हेंस्ड, क्लियर है। दूसरी बेनिफिट थी कि ऑडिटर इंडिपेंडेंस रिपोर्ट एक्सेप्टेड एंड एक्सपेक्टेड बाई ऑल स्टेक होल्डर। हमने कहा ठीक है। फिर ऊपर हम आए, हमने कहा कि ऑडिट क्या है? हमने कहा कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। हमने कहा रुको, हमने कहा व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन? हमने कहा दोज इन्फॉर्मेशन विच आर स्टेटेड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉन एज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फिर बात उठ गई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। हमने कहा कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स इंटेंटेड टू शो इकोनॉमिक रिजल्ट एंड पोजिशन ऑफ एंटिटी एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर यहाँ बात उठ गई कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होती है। तो हमने कहा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो वाला लॉ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विच आर अडॉप्टेड बाई मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। किस पर्पज़ के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ पेपर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद हमने कहा कि दैट एक्सेप्टेबल इन द व्यू ऑफ नेचर ऑफ एंटिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और साथ ही साथ लॉ और रेगुलेशन को भी फुलफिल करता हो। हम यहाँ तक देख चुके हैं। फिर यहाँ हमें वर्ड मिला दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस क्या होती है। आज हम बात करेंगे इसी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। जैसा कि आपको मैंने बताया कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस मैनेजमेंट का बड़ा भाई है, मतलब कि मैनेजमेंट ही है। तरह से मैनेजमेंट का काम क्या होता है? सब चीज़ों को देखना, सारे काम ठीक से हो रहे हैं कि नहीं, और सारा काम वो करवाता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी वही लेता है। तो हमने कहा कि इसमें दो पॉइंट आ गए। पहले तो कि सब कुछ वो करवाता है, तो ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ एंटिटी। क्योंकि सारा काम तो मैनेजमेंट करवाएगा, तो हमने कहा कि ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी। जो भी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है उसको कौन देख रहा है? उसको मैनेजमेंट देख रहा है। सारे काम कौन करवा रहा है? मैनेजमेंट ही करवा रहा है। अब मैनेजमेंट से बड़ा है तो मैनेजमेंट सारे काम करवा रहा है कौन? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। क्लियर हुआ? तो ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। दूसरी बात हमने कहा कि ऑब्लीगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ एंटिटी, मतलब साथ ही साथ जितने भी काम उसके अंदर हुए हैं वो सब की सब जिम्मेदारी कौन लेगा? वो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ही लेगा, क्योंकि सारे काम उसने करवाए थे। तो पूरी की पूरी एक ऑब्लिगेशन, पूरी ऑब्लिगेशन किसकी है? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की। तो हमने कहा कि ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ एंटिटी, जो भी एंटिटी में काम हुआ है उसके लिए अकाउंटेबल कौन है? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है। तो हमने कहा कि यही होता है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। कौन हुआ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस? हमने कहा कि मैनेजमेंट का बड़ा भाई, वो क्या करता है? वो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को देखेगा और सारे काम करवाएगा। तो हमने कहा ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी। दूसरी बात, सारे काम वो करवा रहा है तो जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार भी मैं। तो मैंने कहा कि ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी टू द एंटिटी भी मैं। ये होता है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। छोटी सी डेफिनेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वर्ड आप अपने आंसर में कई बार लिखोगे, अप्रोप्रिएट दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, तो आपको पता होना चाहिए ये वर्ड कहाँ यूज़ करोगे आप। ये वर्ड वहीं यूज़ होगा जहाँ पर मैनेजमेंट की दखल अंदाजी हो रही होगी। क्लियर हुआ? ये आपकी एक वीडियो है, छोटी वीडियो है, जहाँ पर हमने देखा कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की मीनिंग क्या होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाली है ऑडिट की पूरी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आपको ऑडिट का नोट्स चाहिए, जैसा आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर। मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जरूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ आपको ऑडिट के सारे नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ
आपको वहाँ पे एमसीक्यू मिलेंगे, आप एमसीक्यू का जवाब दें, अपने बेस को बहुत मजबूत बना सकते हो। तो ये आपकी एक वीडियो है जहाँ हमने देखा एप्रोप्रिएट दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस क्या होती है। छोटी सी वीडियो और यहीं ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं एक नई वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे ओपिनियन के बारे में। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।